नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। आज इस चैनल में हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति ग्लोब पर कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है और बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति कहाँ है। चलो शुरुआत करते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हम देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर है और ये इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश। अगर इसी को मध्य पॉइंट मान के हम देखते हैं तो इधर का ईस्ट हेमिस्फायर, वेस्ट हेमिस्फायर, नॉर्थ हेमिस्फायर, साउथ हेमिस्फायर, तो भारत की स्थिति यहाँ पे, ये हमारा देश है, ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यानी वर्ल्ड के मैप पे अगर हम भारत को देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में स्थित है। अब हम देखते हैं एशिया में भारत की स्थिति। ये यहाँ पे इधर देखो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट और साउथ। अगर एशिया में भारत की स्थिति देखते हैं तो साउथ वेस्ट दिशा में भारत की स्थिति है। दूसरे देशों के सापेक्ष हम भारत की स्थिति देखें तो भारत का नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे आता है। सबसे पहला बड़ा देश है रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां नंबर पे अपना देश भारत, उसके बाद में अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे सूडान। ये 10 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट सेंद्राकोल बोलते हैं, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो कन्याकुमारी यहाँ का इसका लास्ट पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। भारत का पूर्वी बिंदु सर क्रिक जो कि गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यहाँ से देशांतर गुजरती है, वो है 68.7 मिनट पूरी देशांतर और पूर्व में 97.25 मिनट पूरी देशांतर तक है। पूरी पॉइंट इसका वालांगू है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक ये लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। भारत में कुछ दिन पहले 29 स्टेट्स होते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी। इनमें से एक स्टेट को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई तथा 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़कर 1 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अभी टोटल स्टेट्स हो गए 28, जिसमें जो स्टेट टूटा वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई 31 अक्टूबर 2019 को। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़कर 1 ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई। सबसे बड़ा स्टेट अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 342,000 किलोमीटर स्क्वायर। और स्मॉलेस्ट स्टेट देखें तो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी को देखें तो अंडमान निकोबार है, जिसका क्षेत्रफल 8,294 स्क्वायर किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी देखें तो लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर। और स्टेट की बात करें तो बड़ा स्टेट राजस्थान हुआ और छोटा गोवा हो गया। अभी हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज। इसमें दिल्ली आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ये है कि हमें हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज, हर वर्ल्ड पे देश की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, इसलिए ये मैप के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप हर एक चीज़ को ध्यान रखिए कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहला दिल्ली की लोकेशन यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ, पौंडीचेरी जो कि 4 जिलों को मिला के बनाया गया है, जिसका पहला जिला केरला, माहे, दूसरा कराईकल,
और पौंडीचेरी दोनों तमिलनाडु में, और चौथा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऐसे करके चार जिलों को मिलकर पौंडीचेरी बनाया गया। चौथा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास है। लक्षद्वीप आप यहाँ देख सकते हैं अरब सागर में। जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर से टच होता हुआ। लद्दाख इधर चाइना के बॉर्डर से टच होता हुआ। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देख रहे हैं तो लद्दाख आपको आप देख रहे हैं कि बड़ी यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी रहती है, गर्मी के दिनों में श्रीनगर और सर्दी के दिनों में जम्मू। लद्दाख की एक ही राजधानी है लेह। ये था यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स। अब देखते हैं भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे पूर्व से पश्चिम क्रम देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व पूछा है कि पूर्व से पश्चिम पूछा है, इसी में कंफ्यूज होकर हम आंसर गलत कर देते हैं। अभी देखते हैं भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से लगने वाले भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। पहला देश जो भारत की सीमा को बनाता है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं, तथा कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। इनमें मालदीव हो गए, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और कुछ ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान स्थलीय सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। बांग्लादेश स्थलीय सीमा, जलीय सीमा बना रहा है। म्यांमार स्थलीय सीमा बना रहा है और जलीय सीमा बना रहा है। अगर सबसे नजदीकी पड़ोसी देश देखें तो श्रीलंका हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है जो कि भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। श्रीलंका भारत से पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी से अलग होके हैं। अभी छोटे छोटे डॉट बिंदु देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब ये लक्षद्वीप है और ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है। भारत के 18 स्टेट्स जो कि पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, उनमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ये इतने टोटल मिला के 18 हो गए जो सीमा बनाते हैं। अभी देखते हैं भारत और पड़ोसी देशों के बीच की लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। ये खींची गई सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को। ये एक ऐसी रेखा है जो बिना किसी पर्वत और नदी के सारे खींची गई है। वर्ल्ड में ज्यादातर दो देशों के बीच की लाइन किसी पर्वत या नदी को आधार मानकर रखी गई है, लेकिन ये एक मानव द्वारा खींची गई नॉर्मल लाइन है जिसे पर्वतीय सीमा रेखा भी कहते हैं। एक ही लाइन है डूरंड लाइन जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी सर डूरंड रेडक्लिफ द्वारा 1896 में। एक ही लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके और इंडिया के बीच में। पीओके की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये LSE है। इधर चाइना द्वारा अधिकृत ये पार्ट है, इसके बीच और इंडिया के बीच में है। LSE बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मेकमोन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में, इसमें नेपाल और भूटान का बॉर्डर शामिल नहीं किया गया। ये लाइन शिमला में डिसाइड की गई थी 1914 में मेकमोन द्वारा। बांग्लादेश अभी रेड देख रहे हैं लाइन, इसको बोलते हैं पूर्वांचल लाइन। म्यांमार और भारत के बीच में यहाँ से एक हाईवे गुजरता है, उस हाईवे को आधार मानकर बॉर्डर मान लिया गया। ये थे मेन मेन
देश इनके बीच की लाइन। अभी हम देखते हैं कौन सा देश कितने किलोमीटर की बात से बाउंड्री बनाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान से शुरू करते हैं कि भारत की बाउंड्री जो कि लैंड बाउंड्री है ये टोटल है 15,200 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, चाइना से 3,488 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर, नेपाल से 1,751 किलोमीटर, बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री है। बांग्लादेश से भारत सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री बनाता है। म्यांमार से 1,643 किलोमीटर। इनको याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि बांग्लादेश आपको याद रखना ही है, उसके अलावा आपको 7 का एक टेबल बनाना, जैसे यहाँ पे म्यांमार का याद करना है तो 16 यानी 7 हो गया, 43 का 7 हो गया, 77 हो गया। यहाँ पे ये सबसे पहले वाले 1 को छोड़ दो, फिर 7 हो गया, 511 यहाँ पे भी 7 हो रहा है, यहाँ पे 347 हो गया, फिर 888 हो गया। तो 7 में हम इसको ये करके याद कर सकते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। फिर उसके बाद में अगर हम जलीय बाउंड्री सीमा देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेके और यहाँ वेस्ट बंगाल तक है। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान को भी अगर हम काउंट करते हैं तो स्टेट ये टोटल कोस्ट लाइन हो गई 7,516.6 किलोमीटर। इनमें सबसे ज़्यादा लंबी जो जलीय सीमा है वो गुजरात के साथ है और छोटी गोवा के साथ 102 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1600 किलोमीटर समथिंग है। दूसरे नंबर पे जलीय सीमा तमिलनाडु की है जो 1076 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे आंध्रा का आता है 974 किलोमीटर। अभी देखते हैं भारत के कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये भारत की स्टेट्स हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन हमने देखा था कि गुजरात की है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी गोवा की 102 किलोमीटर। इन कोस्ट को अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं और गोवा तक, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक, इसको हम केंद्रा तट बोलते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक मालाबार तट हो गया। ये मालाबार तट ऐसा तट है जहाँ पे 1 जून को बारिश होती है, यानी मानसून, भारतीय मानसून सबसे पहले यहीं तक दस्तक देता है। उसके बाद में कन्याकुमारी से लेके और कृष्णा के डेल्टा तक, यहाँ तक हो गया कोरोमंडल तट जहाँ सर्दियों में बारिश होती है। उसके बाद में कृष्णा के डेल्टा से गोदावरी के डेल्टा तक, गोलकुंडा तट और उसके बाद में उत्तरी सरकार तट, यानी नॉर्थ सरकार कोस्ट गोदावरी डेल्टा टू नॉर्थ कोस्टल पार्ट। ये थे हमारे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टेट्स जो ना कोस्टल लाइन पे स्थित हैं और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। उनमें से पहला है हरियाणा। आप हरियाणा को देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और ना ही कोस्टल लाइन है। दूसरा है मध्य प्रदेश जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है, इसका भी कोई कोस्ट लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तीसरा छत्तीसगढ़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में झारखंड जो कि बिहार के नीचे है या दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में तेलंगाना जो कि आंध्र से टूट के अलग हुआ है। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय है और ना ही जलीय है। अभी मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं मैप में उत्तराखंड से शेयर करता है, हिमाचल से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद में बिहार से। ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हो गए जिनसे ये सीमा शेयर करता है और इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इंगित करती है। अभी हम देखते लास्ट में भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन रेखा 82.5 डिग्री पूरी देशांतर को माना गया है। ये भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इनका क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका शॉर्ट सूत्र बोले तो उमच आओ, उम छ आओ, उमच आओ। ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है और टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। ये था भारत की अवस्थिति और विस्तार। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।